कराची में गैर कानूनी तामीरात का आगाज पीपी दौर से हुआ। शहर में लगे हर पत्थर की फीस जरदारी तक पहुंची। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल की साईं सरकार पर इल्जामात की बौछाड़। साबिक बल्दियाती हुकूमत पर भी तनकीद। कहा, खुदा का शुक्र है कि कराची से बद किरदार लोगों का खात्मा हुआ और बल्दियाती निजाम का अजाब लोगों के सरों से टला। हमने कराची के मसाइल उजागर करने के साथ उनका हल भी बताया, लेकिन मुल्क में सही बात को सही वक्त पर मानने का रिवाज नहीं। 2 करोड़ का प्रोजेक्ट, 2 करोड़ का मतलब है 15 अरब रुपए को डिवाइड करो, 750 2-2 करोड़ के प्रोजेक्ट बनते हैं। 750 प्रोजेक्ट 2-2 करोड़ के शहर में हो, एक छोटा घड़ा नहीं मिला आपको कहीं पे। एयर का अपना जो बजट है 4 सालों का तकरीबन 125 अरब रुपए का है, 225 अरब रुपए तो ही हो गए। मेरे तो पूरे टेन्योर में 300 अरब रुपए खर्च किए होंगे। मैंने जाकर रात में कोकिन पार्टी तो करनी नहीं है, रिश्वत कमानी है ना। मैंने घर वालों को कहना है कि भाई पैसे पकड़ो, अफसर लगाओ, पैसे पकड़ो। कचरा उठाने का अख्तियार तो है ना इसी मेयर के पास, नालों की सफाई का अख्तियार तो है ना इसी मेयर के पास। पैसे आ रहे हैं, 28,000 एम्प्लॉइज हैं जो कि इन तमाम नालों और कचरा उठाने के ऊपर है, उनकी तनख्वाहें तो जा रही ना। ये जो नालों की सफाई, कचरा, ये तो आज भी हो सकता है। आज भी सिस्टम में इतना इख्तियार है, इतना पोटेंशियल है कि कराची की मेंटेनेंस हो सकती है। इतने काले करतूत हैं इनके, हमारा व्हाइट पेपर कम्प्लीट ही होके नहीं दे रहा। ये लेटर लिखे सबको, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, गवर्नर ऑफ सिंध, ये पैसे ये कौन लेगा? एक जवाब नहीं किया इसका।